वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें इसे फैक्टराइज करना है। सो इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू ए माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3a माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4a प्लस 8 का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, सो इसे हम लिख सकते हैं 3a माइनस 6 प्लस 4a प्लस 8 इंटू 3a माइनस 6 माइनस 4a माइनस 8 इज इक्वल टू होगा 3a प्लस 4a इज 7a एंड माइनस 6 प्लस 8 मतलब कि प्लस 2 हो जाएगा इंटू 3a माइनस 4 मतलब कि माइनस a आएगा और यहाँ माइनस 6 माइनस 8 मतलब कि माइनस 14 हो जाएगा। तो इसे हम माइनस कॉमन ले लें तो हो जाएगा माइनस 7a प्लस 2 इंटू ए प्लस 14, यही इसका आंसर होगा। थैंक यू।